अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली का। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैरियत से हैं। तो जी आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज फिर फवाज की फरमाइश है, आप लोगों ने कहना है कि तैयारी तो फवाज की मुकम्मल कर ली थी, लेकिन बस किसी वजह से फवाज नहीं गया। परसों उसने जाना था, नहीं कल जाना था, कल नहीं फवाज गया। तो बस अब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला सैटरडे को। तो तैयारी उसकी कंप्लीट थी, बस एंड टाइम पे ही बस ना प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो आज मैं जी अब मैंने कहा चले दो दिन तीन चार दिन और उसको मिल गए हैं, तो उसकी फरमाइश की चीज़ें डिशें और बना लेते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि वाइट कढ़ाई बनाएं, वाइट कोरमा या वाइट कढ़ाई। तो ये मैं पैकेट वाली बना रही हूँ। तो ये सबसे पहले दही लिया है, एक बड़ा प्याला, इसको इसकी जो है ना गुटलियाँ हम निकाल लेंगे, और कढ़ाई के अंदर पहले डालेंगे दही। पैकेट के ऊपर लिखी होती है, खैर मैंने तो नहीं पढ़ा पैकेट के ऊपर कुछ भी लिखा हो, लेकिन मेरा तरीका यही वाला है। तो मैं अपने इजी वे में बनाती हूँ झटपट। तो ये नेशनल का है, वैसे मैंने कहा था हम सबको कहीं शाम का लेके आया करें, मैं प्रेफर करती हूँ शाम का, लेकिन नहीं मिला शायद, तो वो ना शाम इसका नेशनल का ले आया। ये भी ठीक है ऐसे, और बस सब कुछ ये झटपट बनने वाला वाइट कढ़ाई है। तो अब इसकी हर चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर मिला के रख देनी है। बस जो दो तीन इशू बन गए, एक तो खुदा पूछे अल्लाह ताला पूछे ऐसे लोगों को, मेरे दो तीन कस्टमर हैं जो कि मुझे पेमेंट उन्होंने नहीं दी, मैं उनके घर गई हूँ। तो उनके घर में गई हूँ, उनके घर मैं रुल फिर के आई हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई आज खाने को। और फिर बस एक और हो गई ट्रेजडी, बड़ा मसला बन गया, मेरी हेल्पर जो है ना उसके लग गई चोट, ठीक है उसके लग गई चोट, तो वो बेचारी अब नहीं आ रही। तो आपको पता है कि अब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और कभी काम किया भी नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। कल मैंने काम किया जैसे तैसे करके, तो ना पूछें फिर मेरी क्या हालत हुई। तो फिर आज मैं अब गई थी कोई और अपनी हेल्पर ढूंढने कुछ दिनों के लिए ना, टेम्परेरी। वैसे मेरी हेल्पर है बेचारी बहुत अच्छी है, वो आएगी, अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अब मैं इसी के अंदर ही हमने जो है ना ऑयल भी डाल देना है, लहसुन अदरक का पेस्ट, पैकेट वाला मसाला, दही, चिकन, हर चीज़ इसमें डाल के हमने तेज़ आँच पर छोड़ देना है। तो बस फिर ये ना जब दही का पानी खुशक हो जाएगा इसको ड्राई करना है, फिर इसके बाद जो है ना हम करेंगे इसको भूनेंगे। भूनने के बाद अगर फिर हमें ग्रेवी चाहिए तो हम दूध की डालेंगे। अगर मैं चेक कर लूँगी, अगर मुझे मसाला ये कम लगा ना, क्योंकि चिकन ज़्यादा है, डेढ़ किलो से भी ज़्यादा है, पौने दो किलो है, तो ये पैकेट जो होता है ना, ये मेरे ख्याल में एक केजी का है, मैंने रेसिपी इसके ऊपर से नहीं पढ़ी, इनके जो लिखी होती हैं। तो अगर कम लगा ना तो इसमें लाल मिर्च नहीं डालनी, हरी मिर्ची डालनी है और पीस के डालनी है। मैं फिर थोड़ी सी ना हरी मिर्च पीसी हुई भी डाल दूँगी। बस अब तेज़ आँच पर इसको हम रख देंगे, तो बहुत मज़े का झटपट वाला जो है ना वाइट कढ़ाई बन जाती है। तो जी आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वाच करें, रिकमेंड करें। आप लोग माशाल्लाह बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो इसी तरह मेरे प्यारे बहन भाई अपने सिस्टर को सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट भी कर दिया करें। मुझे कुछ ना मिर्च रहन लगी थी करने, रहन लगी थी करने, तो फिर कर लेती। शौक था मुझे ना, मिर्चें कम लग रही हैं, तकरीबन जो है ना दही का पानी सारा खुश्क हो गया है, और जो उसका मसाला था ना एक पैकेट मैंने डाला, मुझे उसकी मिर्चें कुछ कम लग रही हैं। मैंने कहा अब हरी मिर्चें जो है ना वो मैं पीस के डालती हूँ। मोटी मोटी चॉप हुई है, सही है, टेबल पे ड्राई हो गया है। स्पैचुला किधर गया? स्पैचुला अपनी कार्रवाई डाल गया है, दो दिन हमारी लाइट भी गई, अभी अभी आई थी, सारा दिन नहीं थी, अभी अभी आई थी और अभी अभी चली भी गई माशाल्लाह से। बाद अपनी कार्रवाई डाल गया है, उसकी आदत है, कोई भी सालन हो लाजमी नहीं चिकन हो, कोई भी सालन हो उसने आके उसका मसाला आलू ज़रूर चीज़ लेनी होती है। तो ये अब इसमें से वो मसाला और बूटी जो है ना अपनी कार्रवाई डाल गया है।
अब इसको हमने अच्छे से भून लिया है। अब जितना मैंने रखनी है ग्रेवी वे मैं डालूंगी दूध, बस इतनी सही है, शोरबा तो नहीं करना, बस हल्का सा ग्रेवी करनी है। इसको मैं रखती हूँ। और ब्रैन बेटा एक दो काम आपने करने हैं, ठीक है? एक तो खीरे काटो, दूसरा धनिया साफ करो। हाँ हाँ मैं जब तक ना रोटियाँ बना लूँ, ठीक है? थोड़ा सा काम बेटा आप भी करो ना। तो जी एक पार्सल मैं आज खोल रही हूँ। ये पार्सल छुपा हुआ था, मैंने कहा पता नहीं उन्होंने मुझे भेजा ही नहीं है, लेकिन ये थोड़े पीछे कहीं अलमारी में पड़ा हुआ था। तो ये दो सेट मंगवाए हैं, ये चादरे हैं, शाले गर्मियों की नहीं होती ऊपर लेने वाली, लेडीज़ की प्लेन में, लेकिन इसके बहुत खूबसूरत। तो ये मुझे अब मिला है, तो मैंने कहा अभी मैं ये भी खोल लेती हूँ। तो इसमें से तो एक मैं रखूँगी खुद, ये इसकी पैकिंग के हैं, उन्होंने डाल के नहीं दिए लेकिन साथ दे दिए ना ये पैकेट्स वगैरह। और ये ब्रांड्स की हैं, ये गर्मियों के हिसाब से हैं, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी हैं। बाहर अंदर जाने के लिए ना, इधर कहीं इंसान मार्केट में जाता है, किसी के घर जाता है, तो हैवी हैवी चादरें जो है ना वो नहीं ले सकता। तो ये वाली देखे काफ़ी बड़ी हैं, प्लेन है, अच्छे वाली लॉन है इनकी। और ये शाल हैं, ये इसके ऊपर ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये वेलवेट की लाइनें हैं, वेलवेट होती है ना जिस तरह, ये वेलवेट की लाइनें हैं और ये धागे की है, और साथ में बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का सीक्वेंस लगा हुआ है। ये देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत ये चादरें। और लॉन भी देखें, बहुत प्यारी लॉन है, बहुत प्यारी लॉन है, बिल्कुल गर्मी करने वाली नहीं है। इसमें कौन कौन से कलर हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली शालें भी नहीं ले होती, जिस तरह मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे भी नीड होती है। एक ये कलर है इसका, एक ये कलर हो गया, आप कलर्स देख लें। एक मैंने आपको ब्लैक दिखा दिया। तो दो सेट मैंने मंगवाए हैं, ये सेट छोटा है, बड़ा नहीं है, ये चॉकलेट वाला कलर है। कलर और इसे के ऊपर मैं अब दोबारा रख देती हूँ दूसरे कलर, ये वाला है तो गोल्डन कलर, ये गोल्डन कलर है, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। थोड़ा नज़र तो आ रहा होगा, ये गोल्डन कलर है। और ये भी रख दूँ साथ रख के, आप देख लें, ये ब्लैक कलर है, ये ब्रांडेड है, बहुत अच्छा नरम मुलायम वाली लॉन है। और इसके ऊपर ये जो है ना ये वेलवेट की लाइनें हैं, ये वाली जो लाइनें हैं ना, ये वाली ये लाइनें वेलवेट की हैं, और ये जो है धागा उसकी लाइनें हैं, और ये सीक्वेंस है, बहुत प्यारा है, फैंसी भी लगेगा और गर्मी भी नहीं करेगा। बहुत ज़बरदस्त की शालें हैं ये ना, छः छः का सेट है, दो सेट मंगवाए हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये ना अब सेल हो जाए, जल्दी जल्दी आए और मुझसे रब्ता करें। क्या खुशबू आ रही है, मुझे ज़बरदस्त खुशबू है जी। जो भी किचन में आता है ना, अशस भी कहता है वाह क्या खुतबी, अल्लाह क्या खुतबी, वो कुतबी कहते हैं। यकीन करें किलोओं में तो बरकत है ही नहीं, ये चिकन में पता ही नहीं चलता, हर चीज़ में जी। मैं तो अब शायद मुश्किल ही कमरे में जाऊं, क्योंकि मैं बहुत पसीने से भरी हुई हूँ, कोई हाल नहीं है मेरा, ठीक है, मेरा कोई भी हाल नहीं है। तो ट्रिप अगर काट किया तो ठीक, नहीं तो यहीं पे आपसे अल्लाह हाफिज़ करूँगी। बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आया हुआ है, आप भी ट्राई करिएगा किसी दिन होम मेड, ये तो पैकेट वाली है ना, किसी दिन फुल होम मेड भी मैं बनाऊँगी, वाइट कढ़ाई। बस जब तक फवाद है तो कुछ ना कुछ अच्छा खाने को बन जाता है, क्योंकि वो बेचारा फिर मेरे का हॉस्टल में चला जाएगा, वहाँ पे तो हॉस्टल के खाने, बाकी गर्मी बहुत है, यकीन करें
कि ना कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता, इतने में पसीने से भीग गई हूँ, लाइट हमारे रहती नहीं है। तो जी चले इसके साथ ही आज की वीडियो का मैं एंड करूँगी। आप लोगों ने प्लीज़ जल्दी से जाएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मेरे यूट्यूब की फैमिली, जिस तरह आप लोग कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे प्यारे बहन भाई को शेयर भी कर दिया करें। यमी यमी चीज़ें रेसिपी और किचन में और गर्मी में और व्लॉग्स बनाती हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे डिशेज लेके आती हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।